पहली बात तो ये हम बता देना चाहते हैं कि 30 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक जो है आश्विन कृष्ण पक्ष में महालय प्रारंभ है। इस महालय में तीन प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो ये पितृ ऋण का, पितृ पूजन का ये समय होता है। इसमें हम पितरों का पूजन करते हैं, पितरों के निमित्त हम तर्पण करते हैं। तो आपका प्रश्न है कि इसमें पंचबली के बारे में, तो मूल विषय है कि गाय को जो बलि दी जाती है वह देवताओं के निमित्त होती है, वह गौ बलि दी जाती है, गोग्रास होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, कौओं को दिया जाता है, ये काक बलि होती है, ये पितरों के निमित्त होती है। श्वान बलि होती है, कुत्तों को दिया जाता है, ये भैरवादि लोगों के निमित्त होता है। और उसके बाद देव बलि होता है, यह देवताओं के निमित्त दिया जाता है। और पांचवा होता है पिपलादि बलि, यह जो है चींटियों के लिए जो होते हैं उनको दिया जाता है, क्योंकि भूमि पर रहने वाले जो चींटी हैं ये जो है संतुष्ट रह सकें। क्योंकि पितृ का मतलब ही है कि इस चराचर जगत में जितने भी लोग हैं सभी लोग तृप्त हों, सभी जंतु, इसलिए इनको बलि दी जाती है, भोजन कराया जाता है।